नमस्कार, मेरा नाम सौरभ पांडे है। मेरी सिविल सर्विसेज 2019 में ऑल इंडिया रैंक 66 आई है। मैं बनारस का रहने वाला हूँ और मैंने बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स से बिट्स पिलानी से की है। मेरा ऑप्शनल ज्योग्राफी है, तो आज मैं डेली नॉलेज ट्रैक के इस वीडियो में अपनी ज्योग्राफी प्रिपरेशन की स्ट्रैटेजी शेयर करूँगा। मैंने कोचिंग की है ज्योग्राफी से। मैंने 2015 में ALS ज्योग्राफी का पूरा कोर्स किया था और बाद में टेस्ट सीरीज़ से हर जब जब मीन्स दिया तो टेस्ट सीरीज़ भी की है। तो मेरा प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी ऐसा रहा है कि फिज़िकल ज्योग्राफी के लिए थोड़ा स्टैटिक प्रिपरेशन, कंसेप्चुअल क्लैरिटी में ज़्यादा मेहनत लगती है और ह्यूमन ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी में वो करंट अफेयर्स बेस्ड ज़्यादा होता चला जाता है। सोर्सेज के नाम पे फिज़िकल ज्योग्राफी में सविंद्र सिंह ज्योग्राफी का यूज़ करना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन सेलेक्टिवली आप यूज़ कर सकते हैं और डायग्राम्स वगैरह के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो GS के लिए मटेरियल होता है, GC लियोंग होती है और चार NCERT की बुक्स होती हैं, वो भी बहुत बेसिक के लिए इंपॉर्टेंट होती है और उसमें डायग्राम्स एटसेट्रा अच्छे होते हैं, जैसे कि फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, इंडियन फिजिकल एनवायरनमेंट और इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी। ये चार NCERTs फाउंडेशनल प्रिपरेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। दूसरी ज्योग्राफी में प्रॉब्लम ये होती है कि फिजिकल ज्योग्राफी जियोमॉर्फोलॉजी में बहुत ज़्यादा बड़ा सिलेबस होता है, तो उसके लिए ALS जो मेरी कोचिंग थी उसमें उसके एक बुकलेट में कॉन्सेप्ट्स भी डायग्राम्स भी होते थे, हैंडमेड डायग्राम्स होते थे, तो किसी के हैंडमेड डायग्राम से डायग्राम्स बनाने में और प्रिपेयर करने में थोड़ी कन्वीनियंस होती थी और उसमें मॉडल आंसर्स, छोटे राइटअप्स, किसी कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स के राइटअप्स भी होते थे, उससे भी काफ़ी हेल्प होती थी। उसके साथ मैंने गाइडेंस के भी नोट्स यूज़ किए थे, गाइडेंस ज्योग्राफी कोचिंग, और उसमें भी कंटेंट काफ़ी ज़्यादा होता है, तो आप उसमें थोड़ा सा स्ट्रेटेजाइज और प्रायोरिटाइज करेंगे तो उसमें से भी आपको काफ़ी प्रिपरेशन के लिए कंटेंट मिल जाएगा। इन दोनों के अलावा बुक्स बहुत ज़्यादा मैंने नहीं पढ़ी थी, तो उसमें सेलेक्टिवली आप यूज़ कर सकते हैं, कोई कंसेप्ट कहीं पर मिसिंग है तो आप कर सकते हैं। फिर क्लाइमेटोलॉजी, ओशनोग्राफी या एनवायरनमेंट के लिए भी सिमिलर स्ट्रैटेजी यूज़ करनी चाहिए। बेसिक्स के लिए फिर वही NCERT GC लियोंग यूज़ होती है। थोड़ा एडवांस टॉपिक्स आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से प्रिपेयर कर सकते हैं और ALS के और गाइडेंस के नोट्स से भी आप टॉपिक्स प्रिपेयर कर सकते हैं। स्ट्रैटेजी ऐसे होनी चाहिए कि आप नोट्स पढ़ने पे फोकस ज़्यादा ना करें, आप सिलेबस के हिसाब से चीज़ों को प्रिपेयर करते जाएं, क्योंकि नोट्स कई बार बहुत ज़्यादा एक्सेस में मार्केट में अवेलेबल होते हैं तो ओवरवेलमिंग होने का बहुत प्रॉब्लम हो सकता है। ह्यूमन ज्योग्राफी में अच्छी बात यह है कि GS से बहुत सारी चीज़ें ओवरलैप होती हैं, जैसे कि डेमोग्राफी होता है, ट्राइबल एरियाज, एनवायरनमेंट इश्यूज भी होते हैं और इंडिया के कंटेक्स्ट में तो प्रैक्टिकली बहुत सारी चीज़ें आपको करंट अफेयर्स और GS से ही मिल जाती हैं, तो आप उसको ज्योग्राफिकल बनाने की कोशिश करिए। फॉर एग्जांपल एनवायरनमेंटल इश्यूज हैं तो उसके लोकेशंस देखें, मैप्स बना के प्रिपेयर करें। अर्बनाइजेशन प्रॉब्लम है तो स्टैटिक में आप सारे अर्बनाइजेशन मॉडल्स वगैरह प्रिपेयर करेंगे ही, जैसे मॉडल्स एंड थ्योरीज अगर आपको पढ़ना है तो एक माजिद हुसैन की बुक है और या फिर अपनी कोचिंग के नोट्स वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं। फिर उसको करंट अफेयर्स से लिंक करके उसके रेडीमेड कुछ बेसिक मटेरियल आप प्रिपेयर करके रखें जो आप एग्जाम में एज इट इज़ यूज़ कर सकते हैं, और करंट अफेयर्स के एग्जांपल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और दूसरी ज्योग्राफी में एक और जो इंपॉर्टेंट बात है वो है मैप स्टडी। मैप स्टडी के लिए मैं क्या करता था कि करंट अफेयर्स में जब भी कोई लोकेशन का मेंशन होता है तो वहाँ पे आप मार्क करते जाइए कि इसको हम मैप में देखेंगे कि कहाँ पर है, कोई भी लोकेशन हो, कोई भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो, नेशनल पार्क एट्सेट्रा हो, तो कर सकते हैं। कुछ चीज़ें थोड़ी डिफिकल्ट होती हैं ज्योग्राफी में, जैसे पर्सपेक्टिव्स इन ह्यूमन ज्योग्राफी होता है, तो आप उसमें हो सकता है कि टीचर की गाइडेंस थोड़ी इंपॉर्टेंट होती है, तो आप टीचर से डिस्कस करें, उसका कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करें और उसके क्वेश्चंस में ऐसा ना करें कि आपको वो वर्ड या वो कॉन्सेप्ट दिख गया और आप उस पर पूरा लिखना स्टार्ट कर दिया आपने, उस तरह से प्रिपेयर ना करें तो अच्छा होगा। और उसको समझने की कोशिश करें, क्वेश्चन से रिलेट करने की कोशिश करें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है आप टीचर के साथ, स्टूडेंट्स के साथ या फिर किसी भी सीनियर्स के साथ आप डिस्कस करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसमें कंसेप्चुअल क्लैरिटी थोड़ी ज़रूरत है, लेकिन फिर उसमें भी यही कैवियट है कि आप मटेरियल्स ओवरवेलम ना हो। मैं ALS और गाइडेंस के मटेरियल यूज़ किया था तो काफ़ी सफिशिएंट होते हैं वो, लेकिन कंसेप्चुअल क्लैरिटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रादर देन आप कितना कंटेंट उसमें प्रिपेयर करके आंसर्स में लिख दे रहे हैं, उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि बेसिक्स आपके स्ट्रॉन्ग हो और क्वेश्चंस के हिसाब से आप आंसर लिखें। कुछ लोगों को ह्यूमन ज्योग्राफी में बहुत इशू होता है और उसमें मेरा तो ये एक्सपीरियंस रहा है कि ह्यूमन ज्योग्राफी इनफैक्ट थोड़ी ज़्यादा फ्रीडम देता है,
उसको एक बार आपने स्टैटिक पार्ट प्रिपेयर कर लिया है तो आप उसको कंटेम्प्रेरी इशू से रिलेट करें, करंट अफेयर्स में जो आप पढ़ते हैं उसे रिलेट करें, और पेपर टू में जो चीज़ें आती हैं जैसे इंडियन ज्योग्राफी में आती हैं उसमें आप पेपर वन के कॉन्सेप्ट्स यूज़ कर सकते हैं। जैसे अगर उड़ान स्कीम आती है या एयर कनेक्टिविटी के कुछ इश्यूज़ आते हैं तो आप जियोमॉर्फोलॉजी के कॉन्सेप्ट्स यूज़ कर सकते हैं कि कहाँ पर वो कंस्ट्रक्शन में इश्यूज़ आ सकते हैं, किस तरह से स्लोप स्टीपनिंग होता है, लैंडस्लाइड का क्या इशू हो सकता है। तो करंट कंटेम्प्रेरी और स्टैटिक को आप हमेशा लिंक कर सकते, पॉलिसी मेकर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे तो आंसर्स बेटर बनते हैं। ज्योग्राफी कई लोग को ये भी लगता है कि बहुत डिफ़िकल्ट ऑप्शनल है और कई लोग छोड़ते भी हैं, तो मेरा तो पर्सनली ऐसा मानना है कि आपका सिलेक्शन होना ना होना तो किसी भी ऑप्शनल में उतने ही डिफ़िकल्ट या इजी होता है। अगर हो जाता है तो फिर इजी लगता है और नहीं होता है तो नहीं लगता। तो ज्योग्राफी से भी लोगों का सिलेक्शन होता है, और ज्योग्राफी में क्या है कि आपको बहुत सारे जीएस रिलेटेड चीज़ें भी प्रिपेयर हो जाती हैं, वो हर ऑप्शनल में भी, हर ऑप्शनल में ऐसा होता है। लेकिन आप प्रिपरेशन पे फोकस करें रादर देन ये देख के कि कितने लोग वो सब्जेक्ट लेते हैं और कितने सेलेक्ट होते हैं। अगर आपको ज्योग्राफी पसंद है तो आप उसको ईजिली चूज़ कर सकते हैं। कोई भी ऑप्शन चूज़ करने का बेसिक क्राइटेरिया यही है कि आपको वो सब्जेक्ट पसंद होना चाहिए, वो पढ़ने में आपको इंगेजिंग लगना चाहिए, और लॉन्ग टर्म आप उसके साथ मेहनत कर सकें, वैसा कोई सब्जेक्ट आपको ऑप्शन के लिए चूज़ करना चाहिए। ज्योग्राफी में एक इशू ये आता है कि वास्ट सिलेबस है, ऐसा लोग बोलते हैं। वास्ट सिलेबस के भी अपने फ़ायदे होते हैं कि ज़्यादातर क्वेश्चन सिलेबस से ही आते हैं, ऑल्दो ज्योग्राफी के पेपर्स, पेपर वन स्पेशली कभी कभी बहुत डिफ़िकल्ट आ रहा है। तो उसमें ये करना चाहिए आपको कि नोट्स मेकिंग के टाइम आप पहले से ही नोट्स बनाना ना चालू करें, पहले आप उसको प्रिपेयर करें, पढ़ें, समझें, फिर देखते जाएं कि कौन सी चीज़ें आपस में लिंक्ड है। फिर एक राउंड आपने जब पढ़ लिया है तो आप सिलेबस के हिसाब से, पिछले साल के क्वेश्चंस के हिसाब से इशू बेस्ड नोट्स बनाएं। जैसे जियोमॉर्फोलॉजी में नोट्स बनाने हैं तो क्या क्या टॉपिक्स हैं, कौन कौन से टॉपिक्स उससे रिलेटेड कंटेम्प्रेरी चल रहे हैं, और आपके एग्जांपल्स एक एक सबके लिए, एक एक रिलेवेंट डायग्राम्स, दो डायग्राम्स, कुछ डेटा, इस तरह से प्रिपेयर करेंगे तो आपका वो शॉर्ट होता चला जाएगा। अदरवाइज वास्ट सिलेबस में आप स्टार्टिंग से नोट्स बनाना चालू करेंगे तो वो बढ़ता ही चला जाता है और फिर उसका यूटिलिटी और एफिशिएंसी कम होती चली जाती है। तो मेरा सजेशन और एक्सपीरियंस ऐसा है कि आप उसको पहले प्रिपेयर करके समझते जाएं, फिर आप धीरे धीरे कनेक्टिंग चीज़ें भी समझने लगेंगे और उसमें आपकी एफिशिएंसी और टाइम बचता चला जाएगा, एफिशिएंसी बढ़ती चली जाएगी। जैसे कि अप्लाइड जियोमॉर्फोलॉजी अब धीरे धीरे इंपॉर्टेंट है और जियोमॉर्फोलॉजी तो डिफ़िकल्ट है, तो उसको आप प्रिपेयर करिए, पहले समझिए, फिर सारे इशूज़ को रिलेट करिए कि स्लोप, अगर स्लोप डेवलपमेंट के बारे में पढ़ते हैं तो अप्लाइड जियोमॉर्फोलॉजी में कहाँ कहाँ यूज़ हो सकता है, कौन सी स्कीम्स हमारे देश में है या बाहर के कोई एग्जांपल्स यूज़ कर सकते हैं। अगर एनवायरनमेंट सोशल फॉरेस्ट्री पढ़ते हैं तो उससे रिलेटेड क्या हो रहा है, फॉरेस्ट फायर्स उसको रिलेट कर सकते हैं क्या, अमेजोन में फॉरेस्ट फायर इशू हुआ या फिर ग्रीस में हुआ, तो कई चीज़ें आप बाद में लिंक कर पाएंगे। तो उस समय नोट्स आप जब प्रिपेयर करेंगे तो डायग्राम डेटा सब एक साथ होगा और वो शॉर्ट होता चला जाएगा विद टाइम। तो अगर सिलेबस प्रिपरेशन के साथ धीरे धीरे कम होता चला जाए तो वो अच्छा रहता है रिविजन के लिए। तो नोट्स मेकिंग के लिए मेरा यही सजेशन है कि फर्स्ट राउंड में आप पहले हर चीज़ को अच्छे से समझ के लिंक करें और फिर आप उसको एग्ज़ाम में क्या यूज़ करना है या आपके आंसर्स में क्या जाने वाला है उसके हिसाब से नोट्स बनाएं। और आंसर राइटिंग के लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि प्रैक्टिस स्टार्ट कर दें, एक जब आपकी प्रिपरेशन हो जाए तो आप प्रैक्टिस स्टार्ट कर दें जल्दी तो ही अच्छा है, क्योंकि कभी ऐसी फीलिंग नहीं आती कि सारा प्रिपरेशन हो गया है और हम आंसर्स लिख सकते हैं। तो आप स्टार्ट करिए और उसमें गलतियां करिए और धीरे धीरे इम्प्रूव होता चला जाता है और आंसर्स बेटर हो जाते हैं। तो वेट नहीं करिए, अगर आपने पढ़ लिया है टॉपिक तो आप आंसर लिखिए, उसमें एग्जांपल ढूंढिए। कुछ आंसर्स आप शुरू में जब लिख सकते हैं तो आप गूगल करके, मटेरियल कलेक्ट करके, रफ वर्क करके फिर लिखिए, लेकिन लिखना स्टार्ट कर दीजिए। ज़रूरी नहीं है कि आप अनप्रिपेयर्ड होके गए और आप लिखने की प्रैक्टिस करिए। आप सारा 3-4 क्वेश्चन उठाइए, उसके सारे रफ मटेरियल आप प्रिपेयर करिए, क्या जाएगा आंसर में, क्या नहीं लिखना है, उस हिसाब से आप कलेक्ट करिए, फिर टाइम बाउंड तरीके से आप उसको लिखने के प्रैक्टिस कर सकते हैं। और धीरे धीरे आप टेस्ट सीरीज़ में 3 घंटे जाके बैठने का भी फिर स्टार्ट कर सकते हैं। तो शुरू से ही आपको अपने पे उतना प्रेशर डालने की ज़रूरत नहीं है, आप प्रिपरेशन कर, एग्ज़ाम आंसर राइटिंग को ही आप एक प्रिपरेशन का मेथड बना के भी पढ़ सकते हैं। लेकिन हाँ, एक बार आप उस टॉपिक को प्रिपेयर करके पढ़ के समझ लीजिए, उससे आंसर राइटिंग में आपको पकड़ ज़्यादा अच्छी बनेगी। तो ये मेरी बेसिक आउटलाइन स्ट्रैटेजी थी ज्योग्राफी की, और इसमें ये मैं डिस्क्लेमर या बता देना चाहता हूँ कि सबकी अपनी स्ट्रैटेजी डेवलप हो जाती है। बहुत सारे लोग टेक्स्ट बुक्स रेफर करते हैं, मुझसे ज़्यादा करते हैं, कुछ मेरी तरह थोड़ा कम करते हैं,
लेकिन आपका मेन फोकस होना चाहिए सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के आंसर्स आप कैसे लिख रहे हैं और बाकियों के कंपैरिजन में वो कैसे हो रहे हैं। तो आप एक बार स्टार्ट करेंगे तो धीरे धीरे आपकी खुद की एक स्ट्रैटेजी डेवलप हो जाएगी। तो उस डिस्क्लेमर के साथ मैं ये कहूँगा कि आप मेहनत स्टार्ट करिए और अच्छा ज्योग्राफी का पेपर आपका अच्छा जाएगा। थैंक यू।